न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। वैसे तो देश में दिव्यांगों को आत्मसम्मान के साथ समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकारी स्तर पर कई प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इस बीच कटिहार में भी विधान पार्षद अशोक अग्रवाल अपने निजी प्रयास से दिव्यांग प्रतिभाओं को एक बेहतर मौका दिया है। मधुबनी पेंटिंग में महारत रखने वाली दो दिव्यांग लड़कियों को विधान पार्षद अशोक अग्रवाल अपने निजी आवास की दीवार पर मधुबनी पेंटिंग बनाने का मौका दिया है। घर के मुख्य द्वार पर इन दो दिव्यांग लड़कियों द्वारा बनाई जा रही पेंटिंग बेहद आकर्षक है। विधान पार्षद ने कहा कि इन दोनों लड़कियों को एक मौका देने का अपील किया था, इसलिए उन्होंने अपने घर के मुख्य द्वार पर ही इन लोगों को यहाँ पेंटिंग बनाने का मौका दिया, ताकि उनके घर पर आने वाले लोगों को इस पेंटिंग का जिक्र करते हुए इन लोगों के बारे में बता पाए। वहीं पेंटिंग बना रही दोनों लड़कियों ने कहा कि सरकारी प्रयास से दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ बदला है, खासकर अब समाज के नजरिए में भी बड़ा परिवर्तन आने लगा है। आगे वह लोग चाहती है कि विधान पार्षद ने जिस तरह से मदद किया है, ऐसे ही समाज के अन्य लोग भी दिव्यांगों को प्रेरित करें। आगे वह लोग चाहती है कि वो लोग समाज के अन्य लोग और खासकर दिव्यांग लोगों को मधुबनी पेंटिंग के सहारे बेहतर भविष्य बनाने में सहयोग करें। जी, फर्स्ट सब पहले तो हमें मांग है कि हमारी एक संस्था खोले और फिर हम लोग जो बेरोजगार हैं, जो भी जो हैंडीकेप है उनको एक रोजगार दे सके हम लोग, बस यही हमारी मांग है। आर्ट करने का मकसद क्या है? जी, हम सर को गिफ्ट कर रहे हैं ये आर्ट, और हमारी मांग भी है कि संस्था हमारे लिए खोला जाए। दिव्यांग लोगों को क्या मैसेज, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपने आप को किस तरह बूस्ट अप करें? जी, बस मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ, अगर संस्था हमारी खुलती है तो आप लोग यहाँ पे आके हमारे साथ रहें, फिर जुड़े, फिर उनको हम रोजगार देंगे, आगे बढ़ाएंगे उनको हम। मधुबनी पेंटिंग कर रहे हैं, क्या आपको पीछे क्या? जी, ये हमारा संस्कृति कला है, और ये संस्कृति कला हमारे पूरे मतलब की सिटी वगैरह जितने वो सारे तरफ जो है ना, हम लोग मधुबनी पेंटिंग सोच रहे हैं कि एक दुल्हन की तरह सजा दे अपना सिटी को, और चाह रहे कि और भी बेरोजगार हैं जो दिव्यांग लोग और भी जर्नल लोग भी हैं जो ग्रेजुएशन करके पीजी करके जॉब वगैरह नहीं मिल पाता है, तो ये हमारा अपना बिजनेस हो गया, और इस बिजनेस से सोच रहा है कि घर बैठे अपना ऑनलाइन सेलिंग करें और अपना काम को आगे बढ़ाए, और सोच रही हूँ कि और भी अदर महिला लोग को सिखा करके पेंटिंग उसको रोजगार दूँ। तो आप लोग दिव्यांग लोग को मधुबनी पेंटिंग में प्रमोट कर रहे हैं, क्या है पूरा? ये दिव्यांग बच्चियां कटिहार की हैं नेहा, और ये जो हैं मधुबनी पेंटिंग में महारत हासिल है, तो इनकी इच्छा हुई कि हम लोगों को कहीं ऐसा सेंटर मिल जाए कहीं कि जहां मधुबनी पेंटिंग बनाए, हम लोग डिस्प्ले करें, और दो दिव्यांग और भी जो बहने भाई हैं उनको भी जोड़ के हम लोग मधुबनी पेंटिंग का एक स्वरोजगार जो है चालू करें। उसी दिशा में लोग एक पेंटिंग बना रहे हैं हमारे आवासीय स्तर पर, और बना के लोगों को डिस्प्ले होगा, जिससे कि लोग इनसे जुड़ें और इनके माध्यम से मधुबनी पेंटिंग बना करके इनको रोजगार प्रदान करें। सरकार भी कई स्तर पर नहीं, सरकार की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जब ये लोग आई हमारे पास में तो हम लोग को भी लगा कि नहीं, अच्छा काम है, क्योंकि दिव्यांग काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ कटिहार में है, और उसमें काफ़ी कला निपुण है, कला से निपुण है लोग, तो कला का प्रदर्शन करेंगे, अपना पेंटिंग बनाएंगे, लोगों को देंगे, तो उनका एक स्वरोजगार हो जाएगा। थैंक यू सर। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।